करेंगे फंक्शंस ऑफ ए। तो फंक्शंस ऑफ ए एन एस में हम लोग जो है दोनों पार्ट के फंक्शन एक साथ कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, जिसमें आप बोलोगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। ओके, तो इसमें जो है इनके फंक्शंस हालांकि थोड़े कंफ्यूजिंग है, बट इसको हम एक ट्रिक के थ्रू याद रखने का ट्राई करेंगे। तो आपको फंक्शंस समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, उसी स्टोरी के बेस पे हम उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए कि कोई दो दोस्त है, वो खड़े होकर कहीं पर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक जो है वहां पर एक डॉग आ जाता है और वो डॉग जो है उनके ऊपर भौंकता है। तो भौंकने के बाद ये दोनों जो है रन करना शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं। तो जब भागते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। ओके, तो ऐसे जब जो सब जो एक्टिविटी है बस उसी को हम थोड़ा थोड़ा पूर्ण करते रहेंगे। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई एक पर्सन जो है वो भाग रहा है, तो भागते समय उसकी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसी को हम सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक कंट्रोल, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे स्ट्रेस कंडीशन बोलो या फिर फाइट और फ्लाइट कंडीशन में ये काम करता है, ठीक है नहीं? तो ये जो कंडीशन होगी रन करने वाली लगभग यही होगी। तो सिंपैथेटिक के मैक्सिमम जो सिम्टम्स है ये आप डायरेक्टली कोरिलेट कर पाओगे इस कंडीशन से, और उसका अपोजिट जो है बिल्कुल अपोजिट रहेगा पैरासिंपैथेटिक। अगर सिंपैथेटिक हार्ट रेट बढ़ा रहा है तो पैरासिंपैथेटिक हार्ट रेट कम कर देगा, ऐसे अपोजिट चलेंगे। तो हमको याद रखने में थोड़ा सा इजी चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ एएनएस। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बीच में जो है एक ब्रेन का डायग्राम बना दे रहा हूं। ओके, यहां पर ये इस टाइप से ब्रेन, सेरिबेलम वगैरह, हालांकि उतना परफेक्ट नहीं बन रहा है बट हमें तो सिर्फ समझना है, सो इट्स सफिशियंट। फिर लगेगा तो आगे इंक्रीज कर लेंगे। और यहाँ पे सर्वाइकल रीजन से आपके सैक्रम रीजन तक के सिंपैथेटिक वाले पार्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं चैन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, है ना? तो ये आपका चैन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, हालांकि ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होता है। यहाँ पे मैं एक ही जगह ड्रॉ किया हूं, लेकिन आप इसको दोनों साइड कंसीडर करेंगे। ओके, अब यहां से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं पैरा सिंपैथेटिक, और यहां पे लिख दे रहा हूं सिंपैथेटिक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, कलर चेंज कर लू। तो सबसे पहले बात करते हैं, इधर सिंपैथेटिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईज, ओके, आईज के ऊपर न्यूरॉन जो आएगा, नर्व आएगा, ये आपका सिंपैथेटिक गैंग्लिया से आएगा, है ना? ये क्या है आपका, ये चैन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया है। अगर इसके बारे में आप
नहीं जानते हैं और डायरेक्टली यही वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनाटॉमी ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें ये प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा। तो ये सिंपेथेटिक गैंग्लिया से न्यूरॉन निकलेगा इस टाइप से, और वो आकर आइस पे अटैच होगा और इफेक्ट रहेगा डायलेशन ऑफ आई, तो डायलेशन ऑफ आई पीपल, इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। तो आप ये यहाँ पर मैं आई लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आने वाला जो नर्व फाइबर रहेगा आपका पैरासिंपेथेटिक में, वो ब्रेन से आएगा इस टाइप से, ये आइस पर आएगा और इसका इफेक्ट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट पीपल अपोजिट। एक तो डायलेशन पीपल, एक तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई पीपल, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। तो जब हम यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सलाइवरी ग्लैंड। हाँ, तो इसको काम कनेक्ट करना था। तो आप जब भाग रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपको दूर का देखने के लिए आपकी जो आईज है वो डायलेटेड होना, पीपल जो है वो डायलेटेड फॉर्म में होना, तभी आप भागते समय दूर का देख पाएंगे, है ना। तो ये सिंपेथेटिक हुआ। तो सलाइवरी ग्लैंड पे क्या इफेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है कि सलाइवा सिक्रेशन कम होना चाहिए, है ना। तो देर इज ए इनहिबिट सलाइवेशन, है कि नहीं। सिंपेथेटिक में जब आप भाग रहे, कुत्ता आपके बच्चे भाग रहा है, तो सीधी सी बात है कि सलाइवा कम से कम निकलना चाहिए, तो इनहिबिट सलाइवरी सिक्रेशन, ठीक है। और पैरासिंपेथेटिक में इसका उल्टा हो जाएगा, पैरासिंपेथेटिक में उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड पे पैरासिंपेथेटिक का एक्शन, सलाइवरी ग्लैंड क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट्स सलाइवेशन। तो पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सलाइवेशन को, ठीक है। और ये जो है आपका यहां से आपका न्यूरॉन निकलेगा, मिडुला ऑब्लॉन्गेटा के ऊपर से निकलता है, ओके यहाँ। अब उसके बाद बात करेंगे हम हार्ट की। हार्ट की क्या एक्टिविटी रहेगी, क्या इफेक्ट रहेगा सिंपैथेटिक का, सीधी सी बात है कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो देर इज ए इंक्रीज इन हार्ट रेट, ठीक है ना। और आपका इसी के साथ में आप मान लीजिए कि लंग्स, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे उल्टा यहाँ पे ले लेते हैं हार्ट को, तो यहाँ पे क्या रह जाए, वहां इंक्रीज हार्ट रेट, तो यहाँ पे डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है नहीं। फिर इसके बाद अब इसमें तो इन्वॉल्व रहने वाले जो पैरासिम्पेथेटिक में नर्व्स है वो आपकी ऊपर से ही निकलेगी, क्योंकि उसको तो क्रेनियो सैक्रल बोलते हैं, तो पूरी की पूरी क्रेनियम रीजन से और सैक्रम रीजन से ही निकलेगी इस टाइप से। तो ये क्रेनियम, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया वाला पार्ट है, तो ये आप मान लीजिए कि थोरेसिक रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये L2 लंबर रीजन तक का है, तो पूरी की पूरी नर्व जो है यहाँ से निकलेगी और फिर ये गैंग्लिया में जाती है इस टाइप से, ठीक है ना। जैसे ये 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। फिर उसके बाद और एक बना देता हूँ, 2, 3, 4, इस टाइप से यहां से निकलती है सिंपैथेटिक गैंग्लिया से होते हुए नर्व्स बाहर निकलते हैं। तो हम अपना डायरेक्ट जो है टारगेट रखते हैं ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है। अब लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, सीधी सी बात है ज्यादा एयर चाहिए हमको, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, तो देर इज ए डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंको डायलेशन, या हम लिख सकते सिंपल डायलेट्स ब्रोंकाई। उसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा,
लंग्स पे पैरासिम्पेथेटिक क्या इफेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपका कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकाई, करेक्ट है ना। बस हमको सिंपैथेटिक याद रखना है उसी एक इवेंट से जब हम भाग रहे हो, रन कर रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं लीवर की, लीवर पे क्या इफेक्ट रहेगा। सीधी सी बात है कि आप अगर ज्यादा तेज से भाग रहे हैं तो यहाँ से जो है ग्लूकोज रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा फॉर द एनर्जी पर्पस। तो आप ये बोल सकते हो कि स्टिमुलेट्स ग्लूकोज रिलीज है। और यहाँ पर फिर पैरासिम्पेथेटिक में इसी का अपोजिट ले लेंगे लीवर। तो यहाँ पे लीवर में क्या हो जाएगा कि डाइजेशन ज्यादा रहता है, डाइजेशन रेट फास्ट होता है, हम खाली बैठ रहे तो बहुत खाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है स्टिमुलेट बाइल रिलीज, स्टिमुलेट्स बाइल रिलीज है ना, बाइल का रिलीज बढ़ जाता है इसमें से। सर बात करें स्टमक की, तो स्टमक में आप ये बोल सकते हो क्या होना चाहिए इफेक्ट स्टमक के ऊपर। स्टमक में जो है इनिबिट डाइजेशन, डाइजेशन जो है वो इनिबिट हो जाता है, तो इनिबिट डाइजेशन। और यहाँ पर उसका अपोजिट स्टमक, तो इनिबिट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए स्टिमुलेट्स डाइजेशन। तो स्टमक पे क्या इफेक्ट आएगा स्टिमुलेट्स डाइजेशन, ओके। उसके बाद किडनी, किडनी पे क्या इफेक्ट हो जाएगा, किडनी पे क्या इफेक्ट हो जाएगा। किडनी जो है हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो है, जो कि एड्रेनल मेडुला जो कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है वहां से रिलीज होते हैं, तो उसका जो रिलीज है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। तो स्टिमुलेट्स एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों का रिलीज जो है किडनी से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन पे क्या इफेक्ट होना चाहिए आपके हिसाब से। जब हमारे पीछे कोई कुत्ता भाग रहा है और हम तेजी से उससे बचने के लिए भाग रहे हैं, है ना, तो इनहिबिट पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या है, पेरिस्टाल्सिस वेव लाइक मोशन ऑफ इंटेस्टाइन, पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रेशन। तो पूरे इंटेस्टाइन के सिक्रेशन भी कम हो जाएंगे और पेरिस्टाल्सिस भी कम हो जाएगा, तो डाइजेशन रेट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन पैरासिम्पेथेटिक में क्या इफेक्ट होगा उसका इंटेस्टाइन, पैरासिम्पेथेटिक में क्या इफेक्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है कि इसका उल्टा, तो वहां इनहिबिट पेरिस्टाल्सिस है तो यहाँ पर स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस, करेक्ट। एंड सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा, तभी तो हम खाली के लिए बैठे तो बहुत खाते हैं, डाइजेशन रेट हमारा फास्ट होता है कि नहीं। और साथ में लास्ट में हम बोल सकते हैं कि ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर पे क्या इफेक्ट हो जाएगा सिंपैथेटिक का, इट रिलैक्सेस ब्लैडर। और यहाँ पर ब्लैडर पे इफेक्ट हो जाएगा इसका उल्टा, तो हम इसको बोल देंगे कंस्ट्रिक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर। तो इस टाइप से हम इसकी फिजियोलॉजी जो है वो याद रख सकते हैं, है ना। यहाँ से ये जो नर्व आपकी कंट्रोल कर रही है इंटेस्टाइन तक के स्ट्रक्चर को, इधर पैरासिम्पेथेटिक पार्ट में ये सभी स्ट्रक्चर को, ये कौन सी नर्व है, वेगस नर्व। ये अकेली ऐसी नर्व है पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम में जो इधर इंटेस्टाइन रीजन में आती है, बाकी ऊपर की सभी नर्व जो है वो। और यहाँ पर ये ब्लैडर को जो है, यहाँ पर जो
एक नीचे से नर्व निकलती है वो कंट्रोल करती है। बाकी यहाँ पे तो पूरा का पूरा सिंपैथेटिक ये गैंग्लिया की जो चैन है उसमें से नर्व्स निकलती है। तो ये सिंपली हम इस टाइप से जो है इसके मेजर मेजर फंक्शंस को जो है हम एनाटॉमी के बाद जो फिजियोलॉजी है उसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है।